झारखंड में सत्ताधारी जेएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन धारासभ्य ने फ्लोर टेस्ट पहला हैदराबाद थी रांची लाया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने धारासभ्य ने हैदराबाद मोकलिया था। झारखंड विधानसभा में कुल 81 बैठकों जे पैकी प्रदेश में शासक पक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा पास 47 धारासभ्य है, जे पैकी 43 एमएलए चंपाई सोरेन समर्थन आप्यु छे। तो महत्वनुं छे के भाजपना 25 धारासभ्य है और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन पास 3 धारासभ्य है। एनसीपी और डाबेरी पक्ष पास 1-1 धारासभ्य और 3 अपक्ष धारासभ्य है। केंद्रीय रमतगमत मंत्रालय भारत की पेरालिम्पिक समिति ने सस्पेंड करी है। समिति समयसर चूंटणी न करावता आ निर्णय लेवायो छे। पीसीआई की कारोबारी समिति की 4 वर्ष की मुदत 31 जान्युआरी 2024 रोज समाप्त थी गई थी। रमतगमत मंत्रालय जारी करेला निवेदन में जणाववामां आव्युं हतुं के पीसीआईए जाहिर करी हती के अगाउनी कार्यकारी समिति की मुदत पूरी थवाने 2 महीनाना अंतराल पछी 28 मार्चे चूंटणी योजाशे। आ विषे बात करता सस्पेंड करेली समिति अध्यक्ष दीपा मलिके जणाव्युं के वर्ष 2024 खूब ज महत्वपूर्ण वर्ष छे। तो महत्वनुं छे के चालू वर्षे वर्ल्ड चैम्पियनशीप योजावानी छे। जो सस्पेन्शन यथावत रहेशे तो वस्तुओ वधारे मुश्किल बनशे, कारण के कार्यकारी पेरालिम्पिक समिति पर घणुं निर्भर छे। वर्ल्ड कप पेराशूटिंग भारत में योजावानुं छे, परंतु सस्पेन्शन नी तेना पर नकारात्मक असर न थवी जोईए। Paralympic year 2024 is a very important year. We have World Championship, we have World Cup parachuting which we are hosting, we have started hosting Athletics Open Championship. This is the time when all the talent identification and finalization of the team for 2024 Paris is going to happen. Things will become difficult if the suspension continues. Because a lot depends on a functional Paralympic committee. ये हमें सबको मिलकर देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये suspension कोई negative effect या negative impact लेके ना आए। दिल्ली ना रोहिणी में आवेली शाला ना शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जणाव्युं के भाजप अमारी विरुद्ध जेटला पण षड्यंत्र रचे परंतु कई थवानुं नथी, हुं तेमनो बराबर सामनो करीश, तेमनी सामे झुकीश नहीं। केजरीवाल दावो करता कह्युं छे के भाजपमां सामेल थई जाओ तो तमने बचाववामां आवशे, तेवुं कहेवामां आव्युं, परंतु हुं सामेल थयो नथी, हुं शा माटे भाजपमां जाऊं, मैं कई काम खोटू कर्युं नथी। दिल्लीमां शाळा हॉस्पिटलनुं निर्माण कर्युं छे, लोको माटे पाणी अने ड्रेनेज जेवी पायानी सुविधा उपलब्ध करावी रह्या छीए। ये जो मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला, और मैं भी डटा हुआ हूं इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ हम छोड़ देंगे, मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में, नहीं आते बीजेपी में, बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ सब। हमने कौन सा गलत काम किया, स्कूल ही तो बनवा रहे हैं, अस्पताल ही तो बनवा रहे हैं, सड़कें ही तो बनवा रहे हैं, पानी का इंतजाम कर रहे हैं, सीवर ही तो ठीक करा रहे हैं, कौन सा गलत काम किया। भाजप पर आप पार्टी धारासभ्यों खरीदवानो आरोप लगावनार आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार मंत्री आतिशी माल्याना निवासस्थाने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी। क्राइम ब्रांच की टीम जयरे आतिशी निवासस्थान पर पहुंची त्यारे घरे हाजर नहोता और लगभग 4-5 कलाक की राह जोया बाद मंत्री ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ने नोटिस पाठवामां आवी। सूत्रों पासेथी मळती माहिती प्रमाणे क्राइम ब्रांचे आ मामलामां केजरीवाल पासे पण जवाब मांग्यो छे अने पुरावा पण मांग्या छे। आ पद द्वारा लगावामां आवेल आरोप पर दिल्ली भाजपना प्रमुख वीरेन्द्र सचदेवाना नेतृत्वमां प्रतिनिधिमंडळे 30 जान्युआरीए शहेरना पोलीस प्रमुख साथे मुलाकात करी अने आरोपोना तपासनी मांग करी हती। तो भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति एक बात पूछ रहा है आपसे कि ऐसे व्यक्ति कौन से एमएलए हैं जो आप कह रहे हो खरीदना चाहते हैं, उनके नाम बताइए, और जो व्यक्ति खरीद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उनके नाम बता दीजिए। अब नहीं चलने वाला, अब तो आपको नाम बताने होंगे, अन्यथा कानून का सामना करना होगा। हमारी ही कंप्लेन थी, हम लोगों ने कंप्लेन की थी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी ने कंप्लेन की थी कि जिस तरह से सब कुछ हो रहा है गलत है, एमएलए सामने क्यों नहीं आ रहा है, ये सवाल ये भी उठता है। इसलिए अगर आपको थोड़ी सी भी वो है तो आपको सामने आके उन लोगों के नाम बताने होंगे। दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच की टीम में भाजप पर आप पार्टी धारासभ्य ने खरीदवाना आरोप मामला में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पण नोटिस पाठवी छे।
આવિશે પ્રતિક્રી આપતા આમ આદમી પાર્ટીના નેતા જસ્મીન શાહે જણાવ્યું કે દિલ્હી પોલીસની ટીમ કેજરીવાલને નોટિસ પાઠવવા માંગતી હતી પરંતુ 5 કલાક સુધી રાહ જોયા બાદ સીએમઓના અધિકારીને નોટિસ પાઠવી રવાના થઈ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે પાઠવેલી નોટિસમાં એફઆઈઆર સમન્સ કે પ્રાથમિક તપાસનો ઉલ્લેખ કરાયો નથી તેમાં આઈપીસીની કે સીઆરપીસીની કોઈ કલમનો ઉલ્લેખ નથી આ માત્ર સફેદ કાગળપત્ર છે બીજું કંઈ નથી आप सबको पता है कल क्राइम ब्रांच की एक टीम दिल्ली पुलिस की एक टीम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर आई थी और एक नोटिस देना चाह रही थी। 5 घंटों तक उन्होंने सड़क पर इंतज़ार किया और आखिर में ये नोटिस सीएम ऑफिस सीएम दफ्तर के किसी स्टाफ को देके गए। ये नोटिस की कॉपी मेरे पास है, ये है नोटिस की वो कॉपी। ना इसमें कोई एफआईआर का जिक्र है, ना तो ये समन्स है, ना ये कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, ना इसमें कोई सीआरपीसी की धारा का मेंशन है, ना आईपीसी की धारा का मेंशन है। केवल और केवल व्हाइट पेपर पे ये एक खत है, क्राइम ब्रांच की तरफ से ये अरविंद केजरीवाल को केवल एक खत है। दिल्ली क्राइम ब्रांच द्वारा दिल्ली ना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आप पार्टी ना केटलाक अन्य नेता पर करवामां आवेली कार्यवाही विषे बात करता उद्धव ठाकरे समूहनी शिवसेना ना नेता પ્રિયંકા ચતુર્વેદીએ પ્રતિક્રિયા આપી છે। તેમણે કહ્યું છે કે એક તરફ ભાજપ લોકસભા ચૂંટણીમાં 400થી વધુ બેઠક જીતવાનો દાવો કરે છે, જ્યારે બીજી તરફ તપાસ એજન્સીઓ વિપક્ષના નેતાઓ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરે છે। તેમણે દાવો કર્યો છે કે કેન્દ્ર સરકાર તપાસ એજન્સીઓનો દુરુપયોગ કરી રહી છે, વિપક્ષના નેતાઓને નિશાને બનાવવામાં આવે છે અને જો તેઓ પક્ષપલટો કરી ભાજપમાં સામેલ થઈ જાય તો તેમની વિરુદ્ધ કાર્યવાહી અટકાવી દેવામાં આવે છે। આ ખૂબ જ શરમજનક બાબત છે। नहीं, प्रोसेस कहाँ फॉलो करते हैं जब पॉलिटिकल हैरेसमेंट होता है, तो ये कुछ नहीं है, राजनीति से प्रेरित है ना, नियम कानून का पालन हो रहा है। बस यही है कि किस तरीके से विपक्ष को घेर कर रखें, अपने एजेंसीज का दुरुपयोग कर। नहीं, ईडी पीएमएलए कोर्ट गई है वो समन्स को लेकर, पर सच्चाई ये है कि आप देखिए किस तरीके से आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इतनी प्रोएक्टिव है जहां जहां विपक्षी लोगों पे कार्रवाई चल रही है। जो पॉलिटिकल केसेस हैं, पॉलिटिकली एक्सपोज पीपल जिन पे ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 97% जो लोग विपक्ष में हैं उनके ऊपर हो रहा है। આસમના ગુવાહાટીમાં જાહેર સભાને સંબોધિત કરતા પીએમ મોદી 11,600 કરોડ રૂપિયાના અનેક પ્રોજેક્ટનું લોકાર્પણ અને શિલાન્યાસ કર્યો છે। આ યોજનાઓ થકી પ્રદેશમાં રોજગારીની નવી તકો ઉપલબ્ધ થશે। વડાપ્રધાને માં કામાખ્યાને એક્સપ્રેસ કોરિડોરનો શિલાન્યાસ કર્યો। આ પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થતા યાત્રાળુઓને વિશ્વ કક્ષાની સુવિધાઓ મળશે। આસામ અને તેના આસપાસના ક્ષેત્રમાં શાંતિ સ્થપાઈ ગઈ છે। 7,000થી વધુ લોકોએ હિંસાનો માર્ગ છોડી વિકાસમાં સહભાગી બન્યા છે। આ માટે જ કેટલાક ક્ષેત્રમાં એએફએસપીએ હટાવવામાં આવી, નાના લક્ષ્ય રાખી કોઈ દેશ કે રાજ્ય ઝડપી વિકાસ કરી શકતો નથી। આજ અસમ મેં દેખીએ સાલો સાલ સે જો ઇલાકે શાંત થે વહાં અબ સ્થાયી શાંતિ સ્થાપિત હો રહી હૈ। રાજ્યો કે બીચ સીમા વિવાદ હલ હો રહે હૈં। ભાજપા સરકાર બનને કે બાદ યહાં 10 સે જ્યાદા બડે શાંતિ સમજોતે હુએ હૈ। पिछले कुछ वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में हजारों युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास का रास्ता चुना है। राहुल गांधी ने आगेवानी में कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड ना बोकारो पहुंची थी। जाहिर सभा ने संबोधित करता राहुल गांधी कहू कि भाजप ખેડૂતો મજૂરો અને યુવા વર્ગના લોકો સાથે અન્યાય કરી રહી છે। કોંગ્રેસના નેતાઓએ દાવો કર્યો છે કે ભાજપ માત્ર આર્થિક નહીં પરંતુ સામાજિક અન્યાય પણ કરી રહી છે। કેટલાક રાજ્યમાં આદિવાસીઓની જમીન છીનવામાં આવી રહી છે અને તેમને તેમના અધિકારથી પણ વંચિત રાખવામાં આવી રહ્યા છે। सिर्फ आर्थिक अन्याय नहीं, सामाजिक अन्याय। आदिवासियों की जमीन छीनी जाती है, उनको अपना हक नहीं दिया जाता।
महाराष्ट्र सरकार मंत्री छगन भुजबल निवेदन पर प्रतिक्रिया आपता उद्धव ठाकरे समूहनी शिवसेना नेता संजय राउते जणाव्यु कि जो कोई व्यक्ति कैबिनेट के सरकार विरुद्ध कोई निवेदन आपे छे तो तेने मंत्रिमंडल में रहेवानो कोई अधिकार नथी। प्रदेश मुख्यमंत्री तत्कालीन तेमने मंत्री पद थी दूर करवा जोईए। राउते दावो कर्यो छे कि जो कोई कैबिनेट में काम करवा मांगता नथी अने ओबीसी माटे काम करवा मांगे छे अने आना विषे राजीनामा आपवा मांगे छे अने ते मंजूर थतो नथी तो आ बन्ने नी मिली भगत छे। ओबीसी मराठा समाज तमाम लोकोने अधिकार मळवो जोईए। आप ओबीसी के लिए काम करना चाहते हो और आपका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा है, ये दोनों की मिलीभगत है। मैं इस्तीफा देने का नाटक करता हूं, आप मंजूर मत कीजिए या आप इस्तीफा दीजिए, हम मंजूर नहीं करेंगे। कैबिनेट में अगर कोई मुख्यमंत्री या सरकार के खिलाफ भूमिका लेता है तो उसको कैबिनेट में रहने का अधिकार नहीं। विपक्षी इंडिया गठबंधन अने कांग्रेस पार्टी विषे प्रतिक्रिया आपता बहुजन समाज पार्टी ना नेता मलूक नागरे जणाव्यु छे के ज्यारे आ गठबंधन नी रचना करवामां आवी त्यारे अमे तेमां सामेल थया नहोता, तमाम लोको अमारा पर आरोप लगावता हता के अमारी पार्टी सीबीआई ईडी सहित तपास एजेंसीथी डरे छे। वर्तमान समयमां धीमे धीमे राजकीय पक्षो इंडिया गठबंधन थी अलग थई रह्या छे। कांग्रेसे ज आ गठबंधन ने नबळुं पाड्युं छे। કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ સનાતન ધર્મ વિરુદ્ધ નિવેદન આપે છે। કોંગ્રેસના નેતા મંદિરની મુલાકાત લે છે અને પછી સનાતન ધર્મ વિશે વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપે છે। ગઠબંધનમાં સૌથી મોટી પાર્ટી હોવાને કારણે બધાને સાથે રાખવાની જવાબદારી કોંગ્રેસની છે। વર્ષ 2024માં ભાજપ સરકારની રચના માટે કોંગ્રેસ જ જવાબદાર હશે। અસલી વાત એ હે કોંગ્રેસમાં ખુદ લીડરશિપ कमजोर है, कंफ्यूज है, इसीलिए 3 साल ये अपना अध्यक्ष नहीं बना पाए और जिस दिन अध्यक्ष बना उसने अध्यक्ष ने आते ही पहले दिन सनातन के खिलाफ बोला। उसके ठीक दूसरी तरफ जब प्रदेशों में चुनाव होते हैं राहुल गांधी जी और कांग्रेस के दूसरे नेता मंदिरों में जाते हैं, जनेऊ पहनते हैं और वो सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं। ये लोग मोए लीडरशिप नहीं है सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में, जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। इनकी जिम्मेदारी बैठती है कि अपने सारे जितने साथी हैं इनके, हम तो उसमें थे नहीं, लेकिन उनको लगा के रखें और बीजेपी को हराने के लिए एकजुट हों। राजस्थान में भाजपा प्रभारी अरुण सिंह जणाव्यु कि केंद्रीय चूंटणी समिति द्वारा जे निर्णय लेवामां आवशे ते प्रमाणे लोकसभा की चूंटणी में उम्मीदवारों की टिकट की फाळवणी करवामां आवशे। चालू वर्षे योजावनारी लोकसभा चूंटणी में भाजप तमाम 25 बैठक पर जीत मेळवशे। राजस्थान सहित देशना लोको पोतानो मत आपी पीएम मोदी ने त्रीजी वार वडाप्रधान बनावशे। राजस्थान सरकार विशे बात करता तेमणे कह्युं कि अमारी सरकार जनहितमां काम कर्या छे। प्रदेश में गेसना सिलिंडरना भाव घटाड्या छे अने पेपर लीक केस में तपास माटे एसआईटीनुं गठन पण कर्युं छे। देशने विकसित राष्ट्र बनाववाना विजन में राजस्थान सरकार पोतानो संपूर्ण सहयोग आपशे। देखिए एक ही लक्ष्य है कि दो बार से 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जीत रही है और इस बार भी यह लक्ष्य है कि 25 की 25 सीट तो जीतेंगे ही जीतेंगे, सीट का मार्जिन बढ़ा करके तब जीत जो है वह प्रधानमंत्री मोदी जी की झोली में वह 25 की 25 सीटें जाए और उसी के साथ साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में माननीय मोदी जी शपथ लें। अरे भाई सरकार के बारे में सरकार से पूछिए, सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। वही सरकार अच्छी होती है, जनहितैषी होती है, जनता की सेवा करती है, जनता के लिए निर्णय लेती है। हमारी सरकार भजनलाल जी की सरकार ने जैसे मैंने कहा गैस सिलेंडर से लेकर एसआईटी के गठन से लेकर के अनेकों काम किया है। कांग्रेस पार्टी ना नेता सचिन पायलटे जणाव्यु छे कि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा बैठक ने लेने पार्टी ने स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक योजाई। आ बैठक खूब ज सकारात्मक साबित थई छे अने अमे चूंटणी में जीत अपावी सके तेवा लायक उम्मीदवार नाम पर चर्चा करी छे। अमारो मुख्य उद्देश्य लोकसभा चूंटणी की तमाम बैठक पर जीत मेळवानो छे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चूंटणी में कांग्रेस हारी हती परंतु वोट शेर नो तफावत मात्र 1-1.5% जेटलो ज हतो। छत्तीसगढ़ की नवी सरकार पोताना वचनों पाड़ी शकी नथी। लोकोए केन्द्र सरकार की 10 वर्ष की निष्फळ कामगीरी जोईने अने भाजपने नकारी काढशे। छत्तीसगढ़ में हम विधानसभा चुनाव ने जीत पाए थे लेकिन हमारा जो वोट का डिफरेंस था वो 1.5% का था, बहुत ज्यादा नहीं है। और जो नई सरकार बनी है
वो अपने वादे पूरे करने में पूरी तरह फेल हो चुकी है, और 10 साल की जो केंद्र की सरकार है उसकी रिपोर्ट भी लोग देख रहे हैं, हर मोर्चे पर वो फेल हैं, एक्सेप्ट प्रोपेगेंडा, प्रचार, माहौल बनाने में, धरातल पर काम नहीं किया है। हम मजबूत करें, इसलिए जो हमारी 11 सीटों पर चर्चा आज हुई है सार्थक रही है, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, और हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट किए हैं जो विनेबल कैंडिडेट्स हैं, और इसमें एक ही क्राइटेरिया रखा है हम लोगों ने कि कौन सीट निकाल सकता है। कांग्रेस ना वरिष्ठ नेता जयराम रमेश शनिवार लाल कृष्ण अडवाणी ने भारत रत्न एनायत करवा पर प्रतिक्रिया आपी और कहूं हतु के तत्कालीन वडाप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी वर्ष 2002 में नरेन्द्र मोदी ने राजधर्म नो पाठ याद करावियो हतो अने तेमने सीएम पद पर थी हटावा मांगता हता, जो के मात्र एक व्यक्ति तेमने बचाव्या हता अने ते हता अडवाणी। तमने जणावी दिए के गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन बे बोगी में आग चंपीनी घटना बाद गुजरात में तूफानो फाटी निकल्या हता। ते समय नरेन्द्र मोदी गुजरात ना मुख्यमंत्री हता। मोदी सरकार ना कार्यकाल दरमियान नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, प्रणव मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय भारत रत्न थी सम्मानित करवामां आव्या छे। हवे तेमां कर्पूरी ठाकुर अने लालकृष्ण अडवाणी नुं नाम पण जोड़ाई गयुं छे। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय ने कुणबी ज्ञाति सर्टिफिकेट आपीने ओबीसी अनामत लाभ आपवानो मुद्दो स्फोटक बनतो जाय छे। छगन भुजबळ सहित ओबीसी नेता आ मुद्दे एकनाथ शिंदे सरकार में राजीनामू आपवा विचारी रह्या होवानुं अत्यारे चर्चा छे। मराठा समुदाय ने ओबीसी अनामत लाभ आपवा सामे विरोध नी आगेवानी भुजबळ ने लीधी छे। भुजबळ ओबीसी एलगनना माध्यमथी विरोध करी रह्या छे। भुजबळे पोते राजीनामू आपी दीधुं होवानो दावो छे। ભુજબળનું કહેવું છે કે પોતે 3 મહિના પહેલા રાજીનામું ધરી દીધેલું પણ સ્વીકારાયું નહોતું। ભાજપના નેતા સ્વીકારે છે કે મરાઠા અનામતને મુદ્દે ભાજપ શિવસેના માટે બાવાના બેઉ બગડ્યા જેવો ગાઢ થઈ શકે છે। સત્તાવાર રીતે અનામત ના અપાતા મરાઠા સમુદાયમાં અસંતોષ છે અને મરાઠાઓને કુણબી સર્ટિફિકેટ અપાતા ઓબીસી સમાજ નારાજ છે। લોકસભાની ચૂંટણી આવતા જ રાજસ્થાનમાં જાટ અનામત આંદોલન શરૂ થઈ ગયું છે। આંદોલન ઉગ્ર બનતું જઈ રહ્યું છે અને 7 ફેબ્રુઆરીએ મુંબઈ દિલ્હી રેલવે ટ્રેક તથા નેશનલ હાઈવેને જામ કરવાનું એલાન કરાયું છે। જાટ સમુદાયને અનામતની માંગ સાથે ભરતપુર અને ધોલપુરમાં જાટ છેલ્લા 20 દિવસથી જાય ચોલીમાં મહાપડાવ નાખીને બેઠા છે। જાટ આરક્ષણ સંઘર્ષ સમિતિએ કેન્દ્ર સરકારને આ મુદ્દે ચર્ચા માટે બોલવા 3 ફેબ્રુઆરી સુધીનો સમય આપ્યો હતો, પણ કેન્દ્ર સરકારે કોઈ પ્રતિસાદ ન આપતા છેવટે સમિતિએ આંદોલનને વધુ ઉગ્ર બનાવવાનો નિર્ણય કર્યો। લોકસભાની ચૂંટણીમાં જાત મતદારો ભાજપથી નારાજ રહે તો રાજસ્થાનની 25 માંથી 10 બેઠક પર ભાજપને મત શેરોમાં ફરક પડવાની સંભાવના છે। આસામના મુખ્યમંત્રી હિંમતા બિસ્વા શર્મા ભાજપના પ્રચાર અને લગ્નોમાં જવા માટે સરકારી ખર્ચે ચાર્ટર ફ્લાઇટ કરીને પ્રજાના નાણાંનો ધુમાડો કરતા હોવાનો આક્ષેપ થતા વિવાદ વકર્યો છે। શર્માએ ચાર્ટર ફ્લાઇટ્સ પાછળ કરોડો રૂપિયા ખર્ચી નાખ્યા હોવાનો દાવો એક મીડિયામાં છપાયેલા રિપોર્ટ બાદ સામે આવ્યો છે। ચીફ મિનિસ્ટર્સ ઓફિસ દ્વારા આ વાતને ખોટી ગણાવીને કહેવામાં આવ્યું છે કે શર્માના પ્રચાર કે સામાજિક કાર્યક્રમ માટે હેલિકોપ્ટર કે પ્લેન ભાડે લેવાયું હોય તો તેનો સંપૂર્ણ ખર્ચ ભાજપ ઉઠાવે છે। ભાજપે ચેક દ્વારા કે પછી મની ટ્રાન્સફર દ્વારા તેની ચૂકવણી કરી છે। એકાદ કિસ્સામાં યોગાનુયોગ સરકારી કાર્યક્રમમાં જવાનું બન્યું હોય અને તેની સાથે સામાજિક કાર્યક્રમમાં પણ ગયા હોય તેવું થઈ શકે। અલબત્ત સીએમએ ભાજપ દ્વારા ચૂકવણીનો કોઈ પુરાવા આપ્યા નથી। સામે મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં સરકાર દ્વારા ચૂકવણીના પુરાવા મુકાયા છે। લાલકૃષ્ણ અડવાણી પછી હવે મોદી સરકાર કાશીરામને ભારત રત્ન આપે તેવી અટકળો તેજ થઈ છે। બહુજન સમાજ પાર્ટીના સ્થાપક કાશીરામ દલિત ઉમા ડોક્ટર બાબાસાહેબ આંબેડકર પછી સૌથી મોટા નેતા મનાય છે। ઉત્તર પ્રદેશમાં દલિત મતદારો હજુએ કાશીરામને મસીહા માને છે, તેથી આ મતબેંકને પોતાની તરફ વાળવા માટે મોદી સરકાર કાશીરામને ભારત રત્ન આપશે તેવો દાવો ભાજપના સૂત્રોનો છે। ભાજપના સૂત્રોનું કહેવું છે કે યુપીમાં બસપાનો રાજકીય પ્રભાવ ખતમ થઈ ગયો છે, તેથી બસપા સમર્થક દલિત મતદારો મૂંઝાયા છે। કોંગ્રેસ અને સમાજવાદી પાર્ટી પર તેમને ભરોસો નથી, તેથી કાશીરામને ભારત રત્ન અપાય તો ભાજપ તરફી તેવો વળવા સંકોચાશે નહીં। લોકસભાની ચૂંટણીમાં અખિલેશ યાદવ ઓબીસી અને મુસ્લિમ મતબેંકને પોતાની તરફ વાળવામાં સફળ થાય તો પણ દલિત મતદારો સાથે હોય તો ભાજપને નુકસાન ન થાય તેવી ગણતરી છે।
चंडीगढ़ मेयर की चूंटनी परिणामों बाद शुरू थे होबाड़ो हजू सुधी अटक्यो नहीं। दिल्ली में भाजपा हेडक्वार्टर पास विरोध बाद 4 फेब्रुआरी रोज चंडीगढ़ में म्युनिसिपल कोर्पोरेशन बाहर प्रदर्शनकारीए हंगामो मचाव्यो। आ दरमियान आप पार्टी नेताओं ने महानगरपालिका में घुसवा प्रयास कर्यो। स्थल पर मोटी संख्या में तैनात पुलिस फोर्से मोर्चो संभाळ्यो अने हंगामो मचावनार आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता अने नेताओं की अटकायत करी। पुलिस आज प्रदर्शनकारी ने बस में बेसाड़ी लई गई थी। आ दरमियान पुलिस अने आप कार्यकर्ता वच्चे झपाझपी पण थई। आम आदमी पार्टीए भाजप पर चूंटणी में घोटाळो करवानो आरोप लगाव्यो छे। पंजाब अने हरियाणा हाईकोर्ट बाद आ मामलो हवे सुप्रीम कोर्ट में पहोंच्यो छे। रोज एक पार्षद साथ में 4 वॉलंटियर पार्टी के यहाँ बैठेंगे, तो ये रोस्टर हमारा जो है तैयार हो चुका है, जो कल 12 बजे जो भी पार्षद की ड्यूटी लगेगी और साथ में 4 वॉलंटियर की ड्यूटी लगेगी, ऐसी चलता रहेगी। मसला तो कोर्ट में है ना, बट आज डेमोक्रेसी को बचाना किसी का तो काम बनता है ना। हम घर पे बैठ के बड़ा कुछ कहते हैं, हमारा सिलेंडर महंगा हो गया जी, हमारा तेल महंगा हो गया जी, हम घर नहीं चला पा रहे, महंगाई इतनी बढ़ गई है जी, देश में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया जी, देश की डेमोक्रेसी का कत्ल हो गया। घर में बैठे हम बहुत कुछ बोलते हैं, पर बाहर निकलना पड़ेगा और उसी के तहत आज हम बाहर सड़कों पे बैठे हैं और हम बैठेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। लद्दाख ने पूर्ण राज्य दरज्जो आपवा कड़कड़ती ठंडी में विरोध प्रदर्शन कर पहला लद्दाख बंद की जाहरात करती। विरोध नेतृत्व ले एपिक्स बॉडी एलएलबी कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस केडीए द्वारा करनी मांग है कि लद्दाख ने पूर्ण राज्य दरज्जो मिलव जो बंधारण की 6ठी सूची लागू कर लेह और कारगिल ने संसद में अलग अलग बैठक आपी जो। सामाजिक कार्यकर्ता और मैक्सेस एवोर्ड विजेता सोनम वांगचुके विरोध ने समर्थन आप्यु छे। थोड़ा दिवसों पहला केन्द्रे 19 फेब्रुआरी बने पक्षों प्रतिनिधिओ साथ बीजा तबक्का की बातचीत करने जाहरात करी थी। आम छता बने संगठनों लद्दाख बंद पाड्यु हतु, तो केन्द्रे लद्दाख लोकोनी मांगणी पर विचार करवा माटे राज्य गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय नेतृत्व में एक उच्च समिति की रचना करी छे। जम्मू काश्मीर में शीतलहर की स्थिति यथावत छे। केन्द्र शासित प्रदेश घना क्षेत्र में भारे वरसाद हिमवर्षा थवानी संभावना छे। हिमवर्षा प्रभावित क्षेत्र में ट्रावेल एडवाइजरी जाहिर करवामां आवी छे। आ साथ श्रीनगर गुलमर्ग सोनमर्ग गुरेज सहित काश्मीर घना पहाड़ी क्षेत्र में हिमवर्षा थई छे। हिमवर्षा ने कारण प्रवासन स्थल सणसर नाथाटोप रूट बंद कर दीवामां आव्यो। खराब हवामान वच्चे भारे पवन ने कारण कटारा सांजी छठ हेलिकॉप्टर सेवा पण प्रभावित थई। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय धोरीमार्ग और राजौरी पूंछथी शोपिया जिला ने जोड़तो मुगल रोड पहले थी बंद कर देवायो छे। काश्मीर मोटा भागना जिल्लाओं में रात्रे लघुत्तम तापमान 0 થી નીચું રહે છે। લેહમાં દિવસનું તાપમાન -3.0 અને ગુલમર્ગમાં -5.4 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હતું, જે સામાન્ય કરતા 4.0 ડિગ્રી ઓછું છે।